अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नुमान अहमद, योर सोशल स्टडी टीचर। आज हम बात करेंगे वाटर, जो कि एक प्रीशियस रिसोर्स है। अगर हम जब भी हम कोई चैप्टर रीड आउट करते हैं, सबसे पहले तो हम कोई टॉपिक होता है, कोई चीज़ होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है वो व्हाट से स्टार्ट होता है। तो आज भी हम अपना जो लेसन स्टार्ट करेंगे वो व्हाट से ही करेंगे। व्हाट इज़ वाटर? तो साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि साइंटिस्ट टेल अस दैट वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये सब हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन इवन अ टाइनियर पार्टिकल कॉल्ड, जिसको हम एटम कहते हैं। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक पानी के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम होता है ऑक्सीजन का, जो मिलकर H2O यानी कि पानी बनाता है। अब बात आती है कि आया ये नेचुरल रिसोर्स है, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे हमारी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 75 मोर देन 75% हमारा अर्थ जो है वो कवर बाय द वाटर। ठीक है, तो क्या ये 75 to 97% जब हमें बताया जाता है कि हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल ब्लू है और पानी से ढका हुआ है, कवर्ड है, और जो है हम 1/3 पे रहते हैं, तो इसमें क्या ये सारा पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि आप स्लाइड में भी देख रहे होंगे, जो फ्रेश वाटर है वो पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया पीती है, सही है, आप अपना अपने यूज़ में लेकर आती है, वो 2.59% में हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब जिसमें से 3%, आप कह सकते हैं कि टोटल 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो रिवर्स में, लेक्स में, या रेनफॉल होता है फ्रॉम द क्लाउड्स वाटर वेपर्स एंड इज ऑल्सो अंडरग्राउंड एंड ट्रैप्ड इन आइस एंड स्नो। ऊपर से बर्फ गिरती है, पहाड़ों पर ठहर जाती है, सनलाइट जब उसको बर्न करता है वो मेल्ट होती है, उसके बाद वो जो साफ पानी है वो कहते हैं पहाड़ों से रिवर की सूरत में, लेक्स की सूरत में जो है वो हमारे घरों तक आता है। उसके बाद जब जो पानी इस्तेमाल हम नहीं करते वो पानी फिर समंदरों की तरफ मूव ऑन हो जाता है। अगर अब हम यहाँ पर फॉर्म ऑफ वाटर को देखें, तो पानी हमारे पास किन किन सूरतों में अवेलेबल है, वो फ्रीज आप कर लें तो बर्फ़ की सूरत में है, ग्लास ऑफ वाटर व्हेन एवर वी वांट टू ड्रिंक इट तो लिक्विड के सूरत में है, हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ नीड वाटर एंड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ऑल ह्यूमन बींग्स एज वेल। आप कह सकते हैं कि मस्ट हैव अ फ्रेश वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। पानी ही आपको, फ्रेश वाटर ही सर्वाइवल बना सकता है। बट ह्यूमन बींग्स बिकम इल एंड मे इवन डाई इफ दे कांट गेट अ पुअर क्लीन इज दैट अ सेफ वाटर एंड आर फोर्स टू ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर। अगर यही पानी गंदा हो जाता है तो, और हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमें डायरिया हो जाता है, मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियां हो जाती हैं जो हमारी बीमारी का बाइस बनती हैं, हमारी मौत का सबब बनती हैं। ठीक है, तो पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और साफ़ पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आगे जाकर अभी हम इसकी इम्पोर्टेंस पे और इसकी बात कर रहे हैं कि पानी, पहले तो हमने बात की कि होता क्या है, फिर इनकी इसकी किस किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, और फिर हमने ये बात की कि कितने परसेंट हम लोग पानी अपनी पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पे हमने कहा 3%। ठीक है, अब फिर हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। अब आगे हम बात करेंगे कि आया हम इसको किस किन तरीक़ों से सेव भी कर सकते हैं। ठीक है,
जिस तरह के ये आप देख सकते हैं वाटर साइकिल है कि पानी बनता कैसे है, आता कैसे है, पहाड़ों पे इतनी बर्फ़ अचानक से कहाँ आ जाती है, लेक्स अचानक से 3 महीने बाद इतने कहाँ से भर जाते हैं, ठीक है, समंदर का पानी कभी करीब आ जाता है कभी दूर हो जाता है, ये साइकिल चल कौन सा रहा है, किस तरह से ये पानी जिस जब दुनिया बनी थी क्या ये उतना ही पानी अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहा है, अगर कम यहाँ पर हो रहा है तो फिर कहाँ ज़्यादा है पानी, ठीक है। तो ये सर्कल, इसको सर्कल का नाम दिया है, ये वो साइकिल है जो गोल घूमता रहता है, साइकिल का ये वो पहिया जो गोल राउंड अराउंड अराउंड घूमता रहता है। अब जैसे कि ये वाटर साइकिल से हर कोई आशना है, एवरीवन नोज व्हाट इज़ द वाटर साइकिल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है समंदर का पानी जो पहले सनलाइट जो होती है वो एवोपोरेट करती है, ओशन ओशन के पानी को, समंदर के पानी को वो गर्म करती है, उसे भाप बनती है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स में वो जो है फिर हैवी हो जाते हैं, उनमें वाटर वेपर्स भर जाते हैं और फिर वो ऊपर से बारिश गिराते हैं और फिर वाटर वेपर्स बनते तो कहते हैं समंदर के ऊपर है मगर वो जाकर कहीं और गिराते हैं पानी, अल्लाह ताला का सिस्टम है ना, समंदर पर ही पानी गिरा दिया तो समंदर फिर पानी फिर समंदर फिर भर गया, मगर अल्लाह ताला का सिस्टम क्या है कि हवा का प्रेशर इतना होता है कि ये भारी क्लाउड जो है आ जाते हैं और जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत होती है अल्लाह के फजल करम से वो वहाँ पर बरसाते हुए आगे जाते रहते हैं और फिर वो हवा उनको आगे आगे जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत होती है और फिर जहाँ बारिश कहते हैं हवा का दबाव जो है एयर प्रेशर कम हो जाता है वो फ़ौरन ही वहाँ वो भारी भी हो जाते हैं क्लाउड, उस पर बारिश बरसाना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके सामने जो है वाटर साइकिल है जो कंटेन करता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर को और ये नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारी जैसे चीन में है और दूसरे ममालिक में अक्सर ये साइकिल काम नहीं करता तो वो मस्नूई बारिश भी आर्टिफिशियल रेन भी करवाते हैं मगर उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर चीज़ जो नेचुरल तरीके से होती है वही चीज़ों को मेंटेन करती है और बैलेंस रखती है। और अगर आप नेचुरल तरीके से नहीं करें क्योंकि यू आर द 7th क्लास स्टूडेंट्स यू शुड बी नो दैट कि अगर कोई भी चीज़ आप आर्टिफिशियल तौर पे करेंगे तो नेचर उसके साथ मैच नहीं कर पाएगी। इफ़ यू विल सी इन दिस स्लाइड, तो यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए एवोपोरेशन कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन और इन सब की जो है ट्रांसपायरेशन का जो है मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन यू कैन सी इट एंड ईजिली रीड इट आउट कि वॉट एग्जैक्टली सिस्टम इट इज़। तो अगर हम एवापोरेशन को देखें तो किस तरह से ये कन्वर्जेशन करता है लिक्विड टू वेपर, ठीक है, जिस जो एवापोरेट करता है सही है भाप बन जाता है, फिर आप कंडेंसेशन देखते हैं जो इसमें भी सारी जो वर्किंग होती है वो वेपर्स की ही होती है, अच्छा, और प्रेसिपिटेशन देखते हैं जिस तरह से द फैलिंग डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब वहाँ ऊपर चला जाता है क्लाउड बन जाता है क्लाउड में पानी भरना शुरू हो जाता है और नीचे पानी गिरने के अमल को जिसको हम रेन कहते हैं उसे आप प्रेसिपिटेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपायरेशन जो ये आप ये है कि ये द लूज ऑफ वाटर थ्रो ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ये जो आप डेफिनेशंस देख रहे हो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, यू दीज डेफिनेशंस यू कैन सी इन योर असिस्टमेंट एज वेल, सो प्लीज़ आपको ये सिस्टम को समझना वाटर साइकिल के लिए, अगर आपको वाटर साइकिल का कोई क्वेश्चन आता है और आप वाटर साइकिल किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये सिस्टम में ये जो वर्ड्स होते हैं की वर्ड्स इनकी डेफिनेशन इनके मीनिंग्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। यूजेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो यूजेस ऑफ वाटर अभी हमने बात की है कि किस तरह से हम डोमेस्टिक वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो कि हमारा बहुत ज़्यादा जो है एरिया जो है हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग अब हमें चावलों के लिए फसल के लिए पानी चाहिए, दालों की फसल के लिए पानी चाहिए, इफ़ वी आर प्लांटिंग गार्डनिंग तो उसके लिए हमें पानी चाहिए जिससे हम प्लांट्स को बड़े पैमाने पे जो लैंड होते हैं जो फर्टाइल लैंड होते हैं उसे सैराब कर सकें उसको पानी पहुंचा सकें। तभी हम लोग तो 1 ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं 2 ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं मगर वहाँ पर मुसलसल सुबह शाम दोपहर 3 टाइम या 2 टाइम पानी पौधों को फसल के मुताबिक मौसम के मुताबिक पहुँचाते हैं और देते हैं।
ये स्लाइड आपको इसी एग्रीकल्चर के लिए ही थोड़ा इसको डिफाइन कर दिया गया है कि आपके पास तक एक प्रॉपर फिगर आ जाए कि किस तरह से हम लोग जो है एग्रीकल्चर के थ्रू जो है हम पानी का इस्तेमाल होता है, नियरली 60% यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो कहा गया है कि परसेंटेज ऑफ वाटर वेरियस डिफरेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्रीज को कितने परसेंट चाहिए होता है, 60%, और टोमेटो को कितने परसेंट चाहिए होता है, 90%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर जंग जंगलात है तो उनको, उनमें जो जानवर है उनको कितने परसेंट पानी चाहिए होता है, तो हर चीज़ की परसेंटेज है। तब आप ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि पूरी दुनिया में हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो 3% है, और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत डाली हुई है। जो साइकिल चल रहा है वो साइकिल 3% पूरी दुनिया के में रहने वाले लोग अपने अपने तौर पर, जानदार जो है अपने अपने तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डोमेस्टिक हमारे घर के काम वगैरह आप कह सकते हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, बाथिंग टेकिंग अ बाथ, जगह साफ कर रहे हैं, फ्लोर फ्लोर आप साफ कर रहे हैं, आप क्लीनिंग कर रहे हैं, आप अपने कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम में आप यूज़ कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक चीज़ें जहाँ यहाँ, और यहाँ पर भी कोई पानी कम इस्तेमाल नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर म्यूनसिपल वाटर सप्लाई एंड सीवरेज ट्रीटमेंट, किस तरह से म्यूनसिपल जो है पानी आता है, पहले नहरों से नदियों से आ रहा है, फिर उसको फिल्ट्रेट किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसके बाद वो फिर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू म्यूनसिपल जो जो है कह सकते हैं वाटर गवर्नमेंट ने जो एक सिस्टम बनाया है कि पानी आज कौन खोलेगा, किस लाइन में पानी आएगा, और फिर किस तरह से घरों में जाएगा, एक वक्त पानी जाएगा, दो वक्त पानी जाएगा, फिर जब घरों में पानी आता है वो अपने डोमेस्टिक काम भी करते हैं और पानी को सेव भी करते हैं। मगर हमारे पास पानी आने से पहले ऐसा नहीं कि केंजर झील में पाइप लगा दिया जाए और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट वो केंजर झील की मछलियाँ भी हमारे घरों में आ रही हैं और कचरा भी आ रहा है, क्योंकि लेक तो खुली होती है ना, और हम लोग तो अभी तक इस चीज़ों को भी अभी हम पाबंद हुए ही नहीं कि हमने अगर जिस झील में जा रहे हैं और हमें ये मालूम चले दरिया सिंध के पास खड़े हैं और हमें पता चले कि ये पानी हमारे घरों में आता है और फिर भी हम उसको गंदा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट नोज कि हमारी जो आवाम है वो अभी तक इतनी शऊर में नहीं आई कि वो खुले तालाब को भी गंदा कर देती है, तो वो पहले पानी को साफ करती है जरासीम, उसमें से जो है वो जरासीम मारने की अद्वियात डालती है, उसको साफ करती है, कोई ऐसी चीज पानी में ना आए जो लाइन को ब्लॉक करे या हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो, उसके बाद जब पानी फिर हमारे घरों में आता है एक मुख्तसर टाइम के लिए। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल यूज़ में देख रहे हैं तो बड़े पैमाने पे चीज़ें बन रही हैं, मेडिसिन्स बन रही हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी और जैसे कि अगर जैसे कि आयरन बन रहा है तो उसको कूल डाउन करने के लिए हम उसको पानी में डालते हैं कि आया ये अभी हमने फर्नेस से या बर्नर से निकाला है, तो उसको तो हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी अपने तरीके से अपनी चीज़ों को उनको उनकी प्रोडक्शन के लिए उनको बड़े पैमाने पर पानी की ज़रूरत होती है। अब जाहिर सी बात है वो पानी समंदर का पानी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले वो पानी वहाँ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि आयरन है ना, तो आयरन तो सॉल्टी वाटर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उनको भी इनको फ्रेश वाटर की ही ज़रूरत होती है। इसी तरह का सोर्सेज ऑफ वाटर में जो प्रिसिपिटेशन में अगर हम देखते हैं कि जब भी हमने कहा कि भाई स्नो है, रेनफॉल है, या अंडरग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर रिटर्न टू द ओशन थ्रू आर रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस द, जैसे कि अभी मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रो दिया था किस तरह से जो है सनलाइट मेल्ट करती है स्नो को, फिर उसके बाद एक प्रॉपर चैनल के साथ वो रिवर्स में आती है हमारे घरों में पानी पहुँचाते हुए, जब पानी हमारे पास, जब हमको लगता है कि भाई अब ये पानी की हमारी ज़रूरियात पूरे जहाँ से ये होता हुआ आ रहा है वहाँ पर ज़रूरियात पूरी हो गई है, डैम भर चुका है प्रॉपर तरीके, उसके बाद जो पानी बच जाता है वो फिर जाकर कहाँ पर डंप होता है, वो फिर समुद्रों में डंप होता है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इन टू मेन कैटेगरीज, सरफेस वाटर है जो प्रेजेंट करता है सरफेस को, जो जो आप कह सकते हैं रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सी एंड ओशन है, इसी तरह रिवर और लेक वाटर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो बॉडीज़ होती है इधर फ्रॉम आर रेनफॉल, अब ये जाहिर सी बात है या तो रेनफॉल की वजह से वर्किंग में आती हैं, ठीक है, एक्टिव होती हैं, या पे स्नो जब मेल्ट होती है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं फ्रॉम द माउंटेन।
अब सी एंड ओशन वाटर भी ऐसे ही है कि ह्यूज स्टोर ऑफ वाटर, आप कह सकते हैं मिलियन और मिलियन एंड ट्रिलियंस लीटर्स पानी यहाँ पर होता है। और जब जो है ये सॉल्टी वाटर फिट नहीं आता तो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर में, अच्छा ये डोमेस्टिक एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि जाहिर सी बात है प्लांट्स ये खारा पानी इस्तेमाल नहीं करते, वो जो खारे पानी के प्लांट होते हैं वो कुछ और ही दूसरे प्लांट होते हैं। अच्छा मेन रिसोर्सेज जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये भी एक अंडरग्राउंड वाटर कुदरती तौर पे ज़मीन के अंदर तो नहीं होता, जाहिर सी बात है ये भी बारिश के पानी की के ही वजह से, ग्लेशियर्स के पानी की वजह से ही ज़मीन में पानी रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि वाटर अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ये सॉइल को कंप्लीट करने में फिल करता है, सैचुरेट विद वाटर एंड रेन सीप्स थ्रू आर टॉप सॉइल्स लेयर्स ऑफ रॉक लाइक लाइम स्टोन सैंड, और ये इस टाइप के जो स्टोन्स होते हैं ये पानी को जस्ट कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉन पोरस लेयर्स होती हैं वो फिर अंदर जो है, नॉन पोरस लेयर्स की वजह से तो फिर पानी अंदर नहीं जाता, फिर वो ऊपर ही रुक जाता है, मगर जो जरखेज़ ज़मीन होती है वो पानी अंदर जस्ट कर लेती है। ऊपर टॉप लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड अ वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड अ एक्वीफर। सही है, एक्वीफर जो होता है ये आपको ज़मीन के अंदर पानी के होने को एक्वीफर बोलते हैं। ये पिक्चर डिस्क्रिप्शंस हैं, ये आपको जो है ना बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी अंडरग्राउंड वाटर जो है और ये एक्वीफर है ये किस तरह से वर्किंग कर रही है। वाटर टेबल आप देख सकते हैं कहाँ पर एरो बना हुआ है, ट्रांसपिरेशन आप देख सकते हैं और वेजिटेशंस का, ठीक है, अनसेचुरेटेड जोन भी आप देख सकते हैं जहाँ पर कोई वर्किंग नहीं हो रही, ऊपर बाउंड्री लाइन आई हुई मगर नीचे क्या है, नीचे सारा पानी जो है वो एक्वाइफर का जो है यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है। आप देख रहे हैं किस तरह से जहाँ जहाँ ज़मीन क्रैक होती है, टूटी हुई होती है या नरम होती है वहाँ से पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ पर एक और नीचे मूव करता रहता है, और फिर जब ज़रूरत होती है तो हम एज अ डिकिंग करके या वेल्स की सूरत में उनको बाहर अपनी ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। वो तो था एक नेचुरल तरीका जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ था कि चश्मा जाहिर हो गया और अंडरग्राउंड वो और हमने ज़मीन से खुदाई की 50 फीट के तो कुआं निकल के आ गया। अब ये है आर्टिफिशियल स्टोरेज, अब हमने इसको सेफ किया हुआ है अपनी आवाम के लिए कि हमने डैम्स बना दिए, हमने पानी स्टोर कर लिया, तो जब पानी हमने देखा कि अभी डैम फुल हो गया तो उसके बाद सारा अब आ गया पानी जाने दें समुंदर में गिरने दें, क्योंकि हर एक डैम की एक अपनी एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के थ्रू ही जो है हम डैम को फिल करते हैं। और अब हमें ये लगता है कि बारिश आ गई है, जैसे कि लास्ट टाइम जब बारिश आई थी तो हमने देखा था कि गवादर का डैम फुल हो गया था, फुल आके उसने बहना शुरू कर दिया था और एक डर आ गया था कि अगर खुदा ना खास्ता अब दोबारा बारिश हुई तो पानी और जमा होता रहेगा और डैम के ब्रेक होने का भी खदशा है, अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से हमें बचाए। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग फेस करते हैं, देखते हैं। अब हमारे घर में एक ड्रम होता है, हमारे किच हमारे गैलरी में या बालकनी में या घर के अंडरग्राउंड हम जो है वो टंकी बनाते हैं ताकि अपना पानी स्टोर कर सकें, तो इसी तरह गवर्नमेंट के लिए भी ये डैम बनाते हैं ताकि वो आवाम के लिए पानी स्टोर कर सकें। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर में यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं सिचुएशन को, सही है, और यहाँ पर सेटिस्फाई ऑफ नॉर्मल रिक्वायरमेंट, आपके पास नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आप चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं जंगलों तक पानी जाए और ताकि इन सब चीज़ों में इन्हेंस हो, ये चीज़ें बढ़ें तरक्की करें, एग्रीकल्चर बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ज़्यादा बढ़ेंगे, गंदम बढ़ेगी तो गर्म गंद, जब जो चीज़ ज़्यादा पैदावार में आती है ज़्यादा चीज़ें ग्रो की जाती हैं, चीनी ज़्यादा ग्रो की जाएगी, गंदम ज़्यादा जो ग्रो की जाएगी, राइस ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, तो इस तरह उनकी जाहिर सी बात है पैसों में भी कमी आएगी। ठीक है, अब चीज़ें ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा गंदम आ गई तो उसके पैसे कम हो जाएंगे ना, अब वो पैसे क्यों कम होंगे, जाहिर सी बात है पीछे से पानी अच्छा आ रहा है और जिस जिस प्रोडक्ट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और पानी उसको वाफिर मिकदार में मिल रहा है तो उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा उसको ख़रीदेंगे, ज़्यादा जो है वो अपनी इस्तेमाल में लेकर आएंगे, उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ जैसे टमाटर की फसल ख़राब होगी खुदा ना खास्ता और टमाटर पीछे से शॉर्ट हो गए और उसके बाद हमने कहा नहीं टमाटर को तो 90% पानी की ज़रूरत है, पानी पीछे से नहीं आ रहा, फसलें ख़राब हो रही हैं, तो आगे जो हमें 15 किलो टमाटर की ज़रूरत थी वो हमें 3 किलो मिल रहा, अब 3 किलो मार्केट में आए गायब हो गए, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने प्राइजेज ही बढ़ा दिए, अब जो अमीर आदमी है वो टमाटर लेगा, जो अफोर्ड कर सकता है जो नहीं कर सकता वो नहीं लेगा। तो फिर इसी तरह से डिमांड के थ्रू
और जो हमारे पास रिसोर्स हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो, तो उनको देखते हुए ये पूरा प्री प्लान होता है कि एग्रीकल्चर सिस्टम को किस तरह से इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, इंडस्ट्री को किस तरह से इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, इंडस्ट्री हम अपनी वहीं लगाएं जहाँ पानी की ज़रूरियात, बिजली की ज़रूरियात हमारी पूरी हो रही हों। सोल्यूशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। सोल्यूशंस जब तक हम नहीं देंगे, हम सिर्फ प्रॉब्लम पे कहेंगे हमारे में ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो हर कोई डिस्कस करेगा, सोल्यूशन कब हम करेंगे। हमें सोल्यूशन पे बात करके आगे बढ़ना चाहिए। इफेक्ट्स जब होते हैं किसी भी चीज़ के, तो आगे फिर हम उसका सोल्यूशन कैसे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल टू प्रिपेयर देयर फूड। बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, द इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी का। प्लांट्स आर स्टंट ग्रोथ, डिक्रीज फूड की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। अब जब से फेमिनिन फूड होगा तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे को बढ़ाएगा ना, जब ये फेमिनिन फूड को ही ये जो डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फिर पौधों की पैदावार आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे कंजर्व। अब कंजर्वेशन वाटर की बात करें, तो किस तरह से हम नल बह रहा है, टप टप करके पानी बह रहा है, हमें हम उसको अवॉइड कर लेते हैं। हम कहते हैं लीक हो रहा है, चलो भाई होने, टप टप करके बह रहा है ना। अब आपको नहीं पता वो एक एक पानी का अगर जो कतरा गिर रहा है ज़मीन पे, वो कितना नायाब हो जाता है कभी कभार, कि ये आपको भी अंदाज़ा होगा। जिसके घर में पूरे साल पानी आया, मगर एक दिन पानी नहीं आया, और वो एक दिन पानी ना आने की सूरत में वो पूरे साल की कसर निकल गई। तो हमें पानी की वैल्यू को समझना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो रिपेयर किया करें, अगर कोई लीक हो रहा है तो फ़ौरन ही हम उसको रिपेयर करें और कोशिश करें। ये भी सेफ वाटर में आता है ना, कि हम पहले सर्टिफिकेशन करके रखें कि पानी ज़ाया ना हो, पानी ज़ाया बिल्कुल भी ना हो। पानी ज़ाया होगा हमारे लिए ही प्रॉब्लम फिर बनेगी, और अगर हम पानी को सेव रखेंगे तो मुश्किल वक्त में हमारा पानी काम आ सकता है। वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए, जैसे कि हाउस होल्ड कैन सेव वाटर बाय प्रोबेबिलिटी फिक्स लीक्स। यानी कि अब वो जैसे कि मैंने कहा कि लीक जहाँ भी पानी हो रहा हो, आप पानी को लीक होने से बचाएं, पानी को आप यूटिलाइज करें। अगर आपने आधा गिलास पानी पिया है तो आधा गिलास आप प्लांट में डाल दें, ज़रूरी कि फेंकना। पहले तो आप पानी उतना ही निकालें गिलास में जितना आपको पीना है, पानी उतना ही इस्तेमाल के लिए निकालें जितना आपने इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा निकाल लिया, तो उसको सबसे पहले आप कम करें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं, अक्सर बेशतर भूल जाते हैं, और हमें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं, वो हमें बड़ी जो है वो क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। और इन क्राइसिस से बचने के लिए हम लोगों को इस बात का बिल्कुल मेक श्योर करना चाहिए कि हम पानी को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। चलिए, यहाँ आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, और इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक छोटा सा असेसमेंट दूंगा। वो असेसमेंट इस तरह से होगा कि आपने अभी पूरा मेरा लेक्चर जो है पूरे अच्छे तरीके से सुन लिया होगा, और अगर आपने नहीं भी सुना तो आप जाके एड बॉक्स में जाइए, वो दोबारा क्लिक कीजिए और उसको दोबारा से सुनिए। उसके बाद ही आप अपने असेसमेंट को फुलफिल कीजिए कि आया सर ने हमें कौन से क्वेश्चन दिया है, उसको आंसर क्या होगा। अच्छा, आंसर और क्वेश्चंस में ये होता है कि आपने पूरा लेक्चर सुना, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ वाटर, तो यू शुड बी राइटेड बाय यू ओन। उसके लिए आप अपने लेक्चर पे ना जाए, अपनी प्रायर नॉलेज को भी कोशिश किया करें। सबसे पहले अपनी प्रायर नॉलेज को आप जज करें कि आया मुझे कितना पता है पानी के बारे में, लेक्चर से पहले भी और लेक्चर के बाद भी, ठीक है। फिर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम होती हैं, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, और इसी तरीके से हम अभी अपनी न्यू नॉलेज को और अपनी प्रायर नॉलेज को सामने से दोनों को मैच करते हैं। और फिर कभी कभार ऐसी होता है कि प्रायर नॉलेज हमारी इतनी थोड़ी सी उसकी क्वालिटी लो होती है, या मिसकॉन्सेप्शन होते हैं जो अभी आपने लेक्चर में या टीचर के लेक्चर में वो मिसकॉन्सेप्शन जो है वो क्लियर करने हैं अपने, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।